सर ये बताइए कि सिद्धार्थ आपने जैसे इशारा किया, जो मैं समझा हूँ कि नैरेटिव स्टार्ट्स फ्रॉम रावलपिंडी, मैं कह रहा हूँ, ये मैं खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि रावलपिंडी से स्टार्ट होता है, उसको आगे फिर रीइंफोर्स होता होता लाउडर होता जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। तो सर इसका मतलब है कि जो सिद्धार्थी निजाम की आजकल बात चल रही है, ये भी ख्वाहिश साल्ट रेंज से ही, गैरिजन बेल्ट से ही आ रही है सर? देखिए, पार्लियामानी जमहूरियत जो है वो फाउंडिंग फादर्स का तसव्वुर रहा हमारे मुल्क में। तो सदारती निजाम तो जो है वो अयूब खान और सिकंदर मिर्जा की ख्वाहिश थी ना, ठीक तो है वो 13 वर्ष रहा। सर। 16 दिसंबर को जब मुल्क टूट गया, ये मुल्क जो है ये लोगों का फैसला ना मानने की वजह से टूटा, ये जमहूरियत की वजह से नहीं टूटा, ये गैर जमहूरी कुफ्तों की इजादे की वजह से टूटा। जो लोग हमसे तादाद में ज्यादा थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप चला लें अपने तरीके से, आज आप देख रहे हैं वो कहाँ है और हम कहाँ, ठीक हो बिल्कुल गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। 1973 में जब हमारा मौजूदा जो आइन है ये बना, तो उस आइन का तशख्खुस पार्लियामानी था, सदारती नहीं ठीक था। ये फेडरेशन है, ठीक इसमें आबादी और जो फेडरल यूनिट्स हैं उनमें एक उनके तवाजन कायम करना तनाजुर। जरूरी है। जिस जिस सूबे की आबादी सबसे कम है उसका रकबा 43% है, बलूचिस्तान, बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो सूबा जो बिल्कुल है वो रकबे में छोटा है, उसकी आबादी 60% से भी ज्यादा है, वो पंजाब है, ज्यादा हर भी बैलेंस्ड है। तो हमने कहा कि कौमी असेंबली जो है उसमें आबादी की बुनियाद पर नशस्तें होंगी, और सेनेट में सब जो फेडरल यूनिट हैं, 4 हैं हमारे, उनको बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी, तो बैलेंस किया है। जियाउल हक साहब ने 1985 में जो 8वीं तर्मीम लाए, जिसमें उन्होंने 100, वो एक तर्मीम नहीं थी, उसमें उन्होंने 100 के करीब दस्तूर की क्लॉजेस बदल दी, दस्तूर का हुलिया बिगाड़ दिया और उसको सदारती बनाया। तो 14-15 बरस की मेहनत के बाद मुख्तलिफ तरामीम के जरिए किसी हद तक पार्लियामानी जो कैरेक्टर है वो बहाल किया सियासतदानों ने, तो 99 आ गया। तो जो 17वीं आईनी तरमीम है जो 2003 में दिसंबर में मंजूर करवाई परवेज मुशर्रफ ने, वो क्या था, वो सदारती निजाम था। और उसको 18वीं आईनी तरमीम के जरिए 2010 में, अप्रैल 2010 में, अठारहवीं आईनी तरमीम क्या है, दोबारा से पार्लियामेंट, उस वक्त से जो है वो, ये हसन निसार साहब भी हैं, डॉक्टर ताऊर रहमान साहब भी हैं। देखिए इनको जो है ना, जो इस तरह की शख्सियात होती हैं हर जमाने में पाकिस्तान में रही हैं, हमारी बदकिस्मती है, इनके लिए एक लफ्ज है रजा हाशमी, लीमू निचोड़। लीमू होता ना अच्छा लेमन, लेमन पुराने दीदी जमाने में जब और तरह का तरीका होता था तो कुछ साहब होते थे जेब में लीमू लेके चलते थे, तो जहां देखा कि हाशमी साहब बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, वो पास आके कहते थे कि हाशमी साहब अगर थोड़ा सा लीमू में छोड़ दो तो आपके खाने का बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो हाशमी साहब अब क्या करें, वो कहेंगे हजूर आइए ना, फिर आप भी शामिल हो जाइए, तो वो खाने में एक दफर खान से ठीक है तो आम हो जाता है। तो ये वो लोग हैं जो जो लीमू निचोड़ है, सर जिनका ठीक कोई ताल्लुक जो है वो इस मुल्क के दस्तूर से, इस मुल्क के लोगों के मुफाद से नहीं है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब के कालम उठा के देखिए, उनका हर बिल्कुल कालम जो है वो HEC में जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, सुभान अल्लाह, उसी उसी उसमें शुरू होता है बिल्कुल उसी पर खत्म होता है। और उनकी ये ख्वाहिश है कि एक वो जो बातें करते हैं उनको अगर आप वैसा नुक्ता वार ले लें, पॉइंट वाइज लें, तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी कि भाई ये इनमें से कोई एक बात उसकी बात बिल्कुल जुड़ती नहीं है। वो इंतखाब भी करवाना चाहते हैं, कहते हैं काबीना जो है ना वो सदर चुना करे, उनको कुछ पता पता नहीं है बात, बिल्कुल वो ये सारी बातें करते हैं। हसन निसार भी सहाफत में इसी तरह की जो है ना वो कब्बे के पर मोर निगुण जो है वो फितर मुड़ को लगाते हैं, ये इन बातों का कुछ हर चोड़ पैर नहीं होता। सिद्धार्थी निजाम अब इस मुल्क में कोई नहीं ला पाएगा, अगर कोई लाएगा तो एट द पैरल ऑफ आर फेडरेशन लाएगा। 37 बरस इंतजार किया है इस है। मुल्क की इकाइयों ने, 37 बरस, 1973 से 2010 तक जो हकूक सूबों को दे दिए गए हैं 18वीं आईनी तरमीम में, कोई माई का लाल वापस नहीं दे सकता, और अगर लेने की कोशिश करेगा सर तो खतरे में पड़ जाएगी। जी,
तो सर इसके लिए अगर कोई लेकर आएगा, कोशिश होगी, जो कि लग रहा है कि सबलिमिनल मैसेजेस यही है कि कोशिश हो रही है, उसको रोकने के लिए सर एक पॉलिटिकल फोर्स चाहिए ना, पॉलिटिकल स्ट्रगल चाहिए होगी उसको रोकने के लिए, उसके आगे दीवार बननी, एक सियासी दीवार खड़ी करनी होगी। लेकिन जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं जो वोट को इज्जत दो के बयानिए पर चलना चाह रही हैं या बात कर रही हैं, हम देखते हैं वो आर्मी चीफ की तकरीरी एक्सटेंशन के ऊपर वोट भी करती हैं, उनके हवाले से वो पहले हम डील की बात कर रहे थे, बातें हो रही हैं, सलीम साफी साहब ने ट्वीट की थी, जरदारी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मामला कर रहे हैं तय और बातें उनकी हो रही हैं, शैला रजा साहिबा ने मेरे से बात करते हुए कहा कि थी पंजाब के अंदर NX 133 का जो इलेक्शन है इसमें TLP हमें सपोर्ट कर रही है, हम TLP के साथ, TLP हमारे साथ। तो सर जब ये सियासी चेहरे जो इस पूरे बयानिए के अलमबरदार समझे जाते थे, ये भी अगर उसी वहीं पर जाएंगे अपनी बका के लिए, तो सर फिर माइकल लाल कैसे है, वो तो कोई भी ले आएगा सर सरदारती निजाम। जब मैं ये बात कह रहा था तो रजा हाशमी मेरे जहन में ये सियासी जमातें और उनकी क्यादत थी ये नहीं थी। आई अपील टू द जीनियस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। शैला, आपने शैला रजा का नाम लिया ना अभी? जी, शैला रजा साहब सर, उनका इंटरव्यू हमारी बड़ी काबिल एहतराम सियासी रहनुमा हैं, खासतौर पर जाम सादिक अली 1990 में जो नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने पहली दफे, तो उनको सिंध का वजीरे आला बनाया गया और उन्होंने सिंध में जिस तरह का जुर्म व सितम का और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए, ये कुछ मानों में तो वो जियाउल हक से भी आगे की जबरूत थी। बड़ी हमारी तर्क जो है वो तारीख है और उसमें बहुत कुर्बानियां देने वालों में शैला रजा शामिल है, लेकिन असूल की बात वो तो कही जाएगी। इस मुल्क के लोगों का जीनियस डेमोक्रेटिक है, इसे ना कोई आसिफ जरदारी बेच सकता है ना कोई नवाज शरीफ, बाकी उनके जो हवारी हैं या जो उनके रुफाका हैं अगर आप अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, उनके तो क्या मजा है। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं, इस मुल्क के जो 22 करोड़ लोग हैं वो मुरीद नहीं है, मजावर नहीं है किसी की कब्रों के या किसी की सियासी जमात के। इस मुल्क का ये मुल्क बना जमहूरियत के नाम पे है और ये कायम भी जमहूरियत के नाम पे रहेगा, और इस मुल्क के लोगों की किस्मत है डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। उसमें जो इसमें साथ जब देखता है, देखिए ना 78 से जब आखिरी सांस तक, बाकी तो हमारी सियासत बड़ी चक्कर्ड है ना, स्याह और सफेद में बटी हुई है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम बुनियादी तौर पर किस लिए था कि वो ज़ियाउल हक के साथ क़ियामियत के सामने खड़ी होगी, ठीक है ना। फातिमा जनाह का आपको पता है कि मुहतरमा फातिमा जनाह ने, आपको याद हो शायद आपने तारीख में पढ़ा होगा, मेरी ही तरह 29 अक्टूबर 1958 को जब अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को माजूम कर दिया 27 तारीख को, तो उसके दो दिन बाद कराची में मुहतरमा फातिमा जनाह ने अयूब खान से मुलाकात की और उन्होंने मुबारकबाद दी मुल्क में माशाल्लाह नाफिज करने पर। बिल्कुल, फातिमा जनाह जो है वो जब 1965 दो जनवरी वाले सदारती इंतखाब में अयूब के मध्य मुकाबला आती हैं, तो वो आज तक इस मुल्क के लोगों में एक तरह की नजर से देखी जाती है। इस मुल्क के लोगों का DNA डेमोक्रेटिक है, उसे ना कोई मेरे जैसा तीसरे दर्जे का सहाफी डिसमिस कर सकता है, ना उसे कोई टेक्नोक्रेट जो है वो खत्म कर सकता है, और ना कोई सियासतदान जो समझता हो कि वो जोड़ तोड़ का कोई बादशाह है वो इसको खत्म कर सकता है, और ना कोई नादीदा चेहरा पाकिस्तान के लोग। सर अगर मैं आपसे बिल्कुल ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगी सर जमहूरियत पसंदों की नुमाइंदा जमात इस वक्त कौन है आपके आपके एनालिसिस के मुताबिक? हर जमात तो आप जमात में, जी 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 आप बात फरमाइए आप। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन हो गया सर। अच्छा, ऐसा हर जमात में शेप होते हैं, जितनी बड़ी जमात होती है उसके अंदर उतने बड़े धारे होते हैं, तो हर मैं समझता हूँ कि हर जमात में काबिल एहतराम सियासी रहनुमा जो इस मुल्क के दस्तूर को समझते हैं, जो इस मुल्क के लोगों के मुफाद के लिए काम करने वाले हैं, हर हर सियासी जमात में ऐसे सियासी कारकुन मौजूद, लेकिन उनके शाना बशाना मुल्लचोड़ भी मौजूद है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी डीलर भी मौजूद हैं, माफिया और टाइकून और कार्टर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि इस मुल्क में जो है वो ताकुल रहे हैं ना,
मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि जब कोई किसी मुल्क पे आमरियत का अजाब उतरता है तो उसके बेहतरीन दोस्त कौन होते हैं? जुराम पेशा लोग। जुराम पेशा लोगों में कैसे ये हिम्मत हो सकती है कि वो कभी मजाहमत करें गैर जमहूरी कुर्तों की? अरे भाई, कुछ भी निजाम आ जाए, उनसे अपना कारोबार चलाना है ना, जो 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 कपड़ा ग्रुप है वो क्या चाहेगा? वो आपके ख्याल में वो जेल जाएगा? वो मजामत करेगा? वो दस्तूर की बात करेगा? अरे नहीं भाई, वो छलांग लगाएगा, फौरन साथ जाके बैठ जाएगा, इसलिए कि उसने अपने नाजायज मुफादात का तहफ्फुज करना है। तो वो भी हमारे सियासी हाथों में मौजूद है। तो सर ये जो जी जो सर इस वक्त मौजूदा निजाम हुकूमत और निजाम इक्तदार जो नाफिज़ है, ये माशाल्लाह आपने तो वो देखे हुए हैं दौर सर, ये उससे मुख्तलिफ कैसे है? मुझे तो माशाल्लाह जैसे ही लगता है सर। एक लफ्ज होता है अकबरनशीनी, सेकंड फिडल, वो होता ना एक मेन म्यूजिशियन, उसके पीछे साजंदे होते हैं। ये जरा तरतीब उल्टी है, इसमें जो पीछे नजर आते हैं असल में धुन जो है, दे आर द वन हु आर पेइंग फॉर द ट्यून, दे आर डिक्टेटिंग द ट्यून। तो ठीक है, तो उसमें फायदा ये है उनको कि जो लांग मलामत होती है, जो तनकीद होती है, जो बदनामी होती है, जो आंच आती है, उसका निशाना वो बनता है जो आगे बैठा है। ठीक ठीक है। तो ये तजुर्बा जो है, ये 99 में नाकाम हुआ, जब उसको हम कहते थे प्रॉक्सी गवर्नेंस, यही अकम नशीनी पीछे बैठ के कर, तो डायरेक्ट सामने आ गए। वो आपने देखा कि 2007 और 2008 में वो क्या हुआ, उनके अपने साथियों ने सबसे ज्यादा गालियां जो है प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, मुझे और आपको नहीं देते, वो किसी और को देते हैं जो उनके पास उनकी जगह पे आए थे। तो अब दोबारा से वो तजुर्बा किया गया है 2018 में। इट इज नॉट आउटराइट मार्शल लॉ, बट सिंस फरवरी 2018 ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि शॉर्ट ऑफ दैट अनडेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन, जिसको हाइब्रिड रेजिम कहा जाता है, ये गैर जमहूरी बंदोबस्त है।